नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 में जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मैं आपको थोड़ा सा आज आइडिया देना चाहता हूं ग्रहण के बारे में, और ग्रहण में जो ये हम लोग सुनते हैं कि ये सूतक लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है और क्या इनमें अवॉइड करना चाहिए करने के लिए। तो वो इसके हालांकि वर्णन तो बहुत मिलते हैं, बट ब्रीफ में मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इसको साइंटिफिकली, इस चीज़ को। तो उसको बताने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि ग्रहण होता क्या है। तो जैसे देखिए, ये आपका सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है। तो हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम है, सोलर सिस्टम इस तरीके से है। जब ये तीनों एक प्लेन में आते हैं तो ग्रहण बनता है। एक ही लाइन के अंदर तीनों आ जाते हैं तो ग्रहण बनता है। चाहे चंद्रमा बीच में आए, अर्थ इधर आ जाए, या अर्थ बीच में आए चंद्रमा उधर रहे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे देखिए कि ये आपका सूर्य है, थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं इसको। ये आपका सूर्य है, इधर आपकी ये पृथ्वी आ गई बीच में, इस पृथ्वी छोटी हो गई इससे, इधर आपका ये चंद्रमा है। ये तीनों अगर एक लाइन में आ जाएंगे घूमते घूमते, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं घूमते घूमते, तो ग्रहण बन जाता है। ये आपका सन है, ये अर्थ है, ये आपका मून है। अब इसमें होगा क्या कि सन की जो रेज आ रही हैं, वो सन की रेज इस तरीके से आएंगी और यहाँ पे ये हो जाएंगी, यहाँ सन की रेज आएंगी और इधर हो जाएंगी। तो उसमें होता क्या है, थोड़ी सी रेज इस तरह से फैल जाती हैं, आगे निकल जाती हैं। तो होता क्या है कि ये जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अमरा। ये अमरा पार्ट कहलाता है, ये डार्क पार्ट हो जाता है पूरा, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे, कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है इसको देखेगा, या पृथ्वी पे ये कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और चंद्रमा को देखेगा, तो उसे चंद्रमा बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के बीच में और चंद्रमा के बीच में घूमती हुई आ जाती है तो ये बन जाता है चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लग गया, यानी चंद्र के पास लाइट नहीं पहुंच रही है सूरज की। जो सूरज की लाइट थी उसको पृथ्वी ने रोक लिया और इस तरह से लाइट नहीं पहुंच रही है। अब होता क्या है कि ये चंद्र ग्रहण जब ये बना तो उसमें जो भी डार्क एरिया है आपका, ये इस जा रहे सारे डार्क एरिया को अमरा बोलते हैं। तो अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर चंद्रग्रहण देखेगा तो उसको लगेगा जैसे कि बिल्कुल टोटल एक्लिप्स है, पूर्ण चंद्रग्रहण जिसको बोलते हैं, टोटल एक्लिप्स लगेगा, क्योंकि उसको पूरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। अब मान लिया कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा, क्योंकि इसकी जो रोशनी है सूर्य की वो थोड़ा ऊपर से भी निकल रही है और साइड में से भी निकल रही है। ये थोड़ा लाइटर पार्ट होता है, हल्का पार्ट होता है, ये तो पूरा डार्क हो जाता है, ये हल्का हल्का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा। और अगर कोई आदमी पृथ्वी पर यहाँ खड़ा हुआ है या पृथ्वी पर यहाँ खड़ा हुआ है तो उसे कुछ कुछ भाग दिखाई पड़ेगा चंद्रमा का, ऊपर का हिस्सा, तो उसे पार्शियल एक्लिप्स लगेगा। तो जब कोई आदमी की स्थिति को ऐसा लग रहा है कि ये चंद्रमा थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा ढका हुआ है, तो उसको लगेगा कि ये पार्शियल एक्लिप्स हुआ है। लेकिन कोई आदमी अर्थ पे इधर खड़ा हुआ है और पूरे डार्क जोन के अंदर है, क्योंकि पूरा घेरा हुआ है पृथ्वी ने चंद्रमा को, तो उसको लगेगा जैसे ये टोटल एक्लिप्स हुआ है। तो ये था चंद्र ग्रहण। अब इसी के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण के बारे में बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा कि ये आपका सन हो गया, ये आपका मून हो गया, मून बीच में आ जाएगा, और ये आपकी अर्थ हो गई। अर्थ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सन के मुकाबले अर्थ थोड़ी छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है, थोड़ी नहीं, ये थोड़ा अर्थ, ये अर्थ हो गया हमारा। अब सन से जो लाइट जाती है, ये लाइट इस तरीके से जाती है और इधर से लाइट इस तरह से जाती है, तो ये एरिया जो हो जाता है डार्क हो जाता है, और यहाँ से जो थोड़ा लाइट नीचे से निकलती है अलग से, वो एरिया इसको बोलते हैं जो लाइट एरिया होता है पेनम्ब्रा। और ये जो डार्क एरिया होता है, पूरा डार्क हो जाता है ये एरिया, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर आ जाती है, इसको बोलते हैं अमरा, और ये आपका अर्थ हो गई। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब घूमता हुआ चंद्रमा आ जाए और तीनों एक लाइन में हो, ये जरूरी है कि तीनों को एक ही लाइन में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, तभी जाके ग्रहण होता है।
तो ये हमारा बन जाता है सूर्य ग्रहण। क्योंकि क्यों बन जाता है कि क्योंकि सूर्य की जो आने वाली रोशनी है उसको चंद्रमा ने बीच में आके रोक लिया और पृथ्वी पे हमें इतने पूरे हिस्से पे पूरा डार्क दिखाई पड़ता है। तो हम कहते हैं कि सब टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। हाँ, पृथ्वी पे जो इंसान यहाँ पे खड़ा होगा या इस एरिया में होगा उसको पूरा सूर्य ग्रहण नाम दिखाई देके लगेगा जैसे आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सूर्य उसको दिखाई पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो इंसान है वो अम्ब्रा के एरिया में है या पेनम्ब्रा के एरिया में है, क्योंकि ये जो एरिया हल्का होता है ये पेनम्ब्रा वाला एरिया कहलाता है। तो ये हुआ आपका ग्रहण। अब ग्रहण जब पड़ा इस तरीके से तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अच्छा, इस दौरान काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स यह होती हैं कि इसमें इस दौरान काफ़ी कुछ रेडिएशंस वगैरह निकलते हैं। अब वो रेडिएशंस जो होते हैं थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, जिसके बारे में हमारे पुराने जो लोग हैं पूर्वज हैं वो कहते आए हैं कि भाई चंद्र ग्रहण जब हो रहा हो तो उस केस में आपको ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो उसके लिए हानिकारक होता है, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें चाकू का इस्तेमाल हो रहा हो या जिसमें सब्जी काटने का इस्तेमाल हो रहा हो या घर में खाना वाना खाएँ। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। अब ये चीज़ें मित्रों किस लिए हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका कि ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, साइंटिफिकली अगर हम समझें इस चीज़ को तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्या मतलब ये है इसका कि जिस समय ये चीज़ें लिखी गई थी या जिस समय हमारे पूर्वजों ने हमको ये चीज़ें बताई थी कि भाई किसी गर्भवती स्त्री को ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए या किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकलना चाहिए या कोई सिलाई कढ़ाई का काम या कोई सब्जी बनाने का काम सब्जी छीलने का काम नहीं करना चाहिए, उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही होता था कि ग्रहण के समय अगर वो आदमी अम्ब्रा के एरिया में है, ये अम्ब्रा एरिया में है, तो वहाँ पे पूर्ण ग्रहण हो जाता था और पूर्ण अंधकार हो जाता था। तो जो अंधकार वहाँ पर हो गया तो उस वक्त तो बिजली की अवेलेबिलिटी थी नहीं, आज तो हर घर घर में बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, सब कुछ है, लेकिन एक वो ज़माना था जब दिए वगैरह ही होते थे, बिजली नहीं होती थी। तो उस केस में बोला जाता था कि भाई आप घर से बाहर मत निकलो, अवॉइड करो, क्योंकि ठोकर लग सकती है, आप कहीं गिर सकते हो, कहीं टकरा सकते हो। और इसीलिए बोला गया था कि भाई आप जितनी भी ये सब्जियां वगैरह काट रहे हैं या जो भी सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं ये उस वक्त मत करो, क्योंकि रोशनी नहीं होती है। तो उस वक्त ये सारे काम जो होते थे वो हमेशा दिन की रोशनी में ही करे जाया करते थे। दूसरी चीज़ ये होती है, ये कहा जाता है कि भाई खाना आप मत बनाइए, खाना नहीं खाइए। वो खाना ना खाने का रीज़न भी एक ये होता है, क्योंकि अगर आपने बना हुआ खाना आपका रखा हुआ है और आप खाना खाते हैं, क्योंकि एकदम अंधेरा होने से टेम्परेचर डाउन होता है और टेम्परेचर डाउन होने से जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पा रही होती है तो उस वक्त बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं और वो बैक्टीरियाज खाने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से समस्या हो सकती है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए और जब ग्रहण पूरा हो जाए तो उसके बाद भी फ्रेश खाना खाएं बना के, क्योंकि कहीं भी कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर खाना आपका पहले से बना रखा है तो वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना आया हो, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। तो अच्छा दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्यों ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। इसका ये कि उस समय में बिजली वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी, बिजली नहीं होती थी, उस वक्त इन सब चीज़ों की सावधानी के लिए कहा जाता था और सावधानी वो जो बताई जाती थी तो उसका एक रीज़न यही था कि उस वक्त ना तो बिजली की पोजीशन सही होती थी और ना ही जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते थे। और अब चूंकि हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रिकॉशंस तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय कुछ ऐसे रेडिएशंस पैदा होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू होते हैं, आंखों के लिए बहुत प्रॉब्लम करने क्रिएट करने वाले होते हैं। तो इसलिए जब ग्रहण लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके लिए स्पेशल चश्मे होते हैं, गोगल्स होते हैं, जिनको लगा के ही ग्रहण देखा जाता है, अदरवाइज वो रेटिना पे इफेक्ट डालते हैं क्योंकि रेडिएशंस बहुत तेज आते हैं उसके। तो ये हुआ ये ग्रहण के बारे में। अब ग्रहण के सूतक के बारे में आपको बताता हूँ मैं। सूतक क्या है कि ग्रहण जब स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे कुछ टाइम पहले आपका एक समय ऐसा होता है पर्टिकुलर टाइम, जैसे एक ग्रहण में ये 9 घंटे का होता है, दूसरे ग्रहण में ये 12 घंटे का होता है। तो ये जो टाइम है इस टाइम पे सूतक बोलते हैं कि इस टाइम पे सूतक चालू हो गए। अब सूतक शुरू होने पे भी मतलब आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे कि आप पूजा
पूजा करें, कुशाकी इस पर बैठें, इस तरीके से। तो ग्रहण शुरू होने से पहले जो हम लोग कहते हैं ना, जैसे सूतक लग गए हैं, सूतक लगने का मतलब ये है कि अब से 9 घंटे बाद या अब से 12 घंटे बाद ग्रहण स्टार्ट होने वाला है, उससे जस्ट 9 घंटे पहले और या 12 घंटे पहले, मतलब चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले होता है, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले होता है, तो उस वक्त सूतक लग जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। और इसमें एक चीज़ और भी प्राचीन मान्यता है कि अगर सूर्य ग्रहण रविवार के दिन हो, संडे के दिन हो, और चंद्र ग्रहण मंडे के दिन हो, सोमवार के दिन हो, अपने ही दिन में हो, तो वो बहुत ही जिसे कहते हैं चूड़ामणि योग बनता है कि वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये था मित्रों ग्रहण के बारे में और ग्रहण के सूतक के बारे में। आशा है आप समझ गए होंगे कि ग्रहण का सूतक क्या है और क्यों ग्रहण के अंदर प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जाता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर लेक्चर को पसंद आपको आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं नई नई वीडियो बना के आप लोगों तक भेजता रहूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।